जी हाँ, इथियोपिया का लालिबेला शहर के ये अद्भुत चर्च आसानी से दिखाई नहीं देता, जबकि दुनिया की सारी चर्च दूर से ही दिख जाते हैं, लेकिन लालिबेला का अद्भुत चर्च दूर से दिखते ही नहीं। और ऐसा क्यों होता है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त भार्गव, और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123 चैनल का अनदेखा सच वीडियो सीरीज। दुनिया में कई अद्भुत स्थान और इमारतें हैं जिनको कुछ खास कारणों की वजह से छिपाकर बनाया जाता था। ठीक ऐसा ही इतिहास हो सकता है लालिबेला के अद्भुत चर्चों का भी। लालिबेला इथियोपिया का एक पवित्र शहर है। लालिबेला में रहने वाले अधिकतर आबादी क्रिश्चियन है। इस शहर का नाम तब के वहाँ के राजा लालिबेला के नाम पर रखा गया है, और उन्होंने ही 12वीं सदी में वहाँ पर ये हैरत अंगेज चर्च बनवाए थे। और ये शहर अब प्राचीन चर्चों के लिए काफ़ी मशहूर है, क्योंकि इन चर्चों को बेहद ही अलग और ख़ास तरीके से बनाए गए हैं। दुनिया में ज़्यादातर हम जो किले या चर्चों को देखते हैं वो ज़मीन से ऊपर उठा होता है, कोई कोई तो काफ़ी ऊंचा भी होता है जो काफ़ी दूर से ही दिखाई देता है। पर लालिबेला के चर्च ऊपर उठने के बजाय ज़मीन के नीचे हैं, मतलब इन चर्चों को पूरी तरह से भूमिगत बनाया गया है। उसके लिए उस जमाने के लोगों ने हैरत अंगेज तरीके से लालिबेला शहर में चट्टानों को खोदकर और काटकर ये चर्च बनाए थे। इनको बनाने में करीब 20 साल लगे होंगे। लाल नारंगी रंग की ये चट्टानें असल में ज्वालामुखी फटने के बाद उसके लावा से बनी है। सबसे हैरत की बात यह है कि इन चर्चों को उस समय के मामूली औजारों से बनाया गया है। साथ ही एक चर्च को दूसरे चर्च से जोड़ने के लिए पहाड़ों को काटकर सुरंग बनाया गया है। ये चर्च वास्तुकला और सौंदर्य का नमूना है। चर्च के अंदर काफ़ी आकर्षक डिजाइन बनाए गए हैं। इन चर्चों के बारे में कहा जाता है कि इनको खुद स्वर्ग से उतरकर देवदूतों ने बनाया है। उनके मुताबिक मजदूर दिन के समय काम करते थे, और रात में जब वो सोने चले जाते थे तो स्वर्ग से उतरकर देवदूत उन चट्टानों को चर्च के आकार में खूबसूरत तरीके से तराशने का काम करते थे। ऐसी भी कहानी है कि स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरे और सिर्फ एक दिन में एक चर्च का निर्माण किया था। जो भी हो, जो कि इन चर्चों को ज़मीन के नीचे बनाया गया है, इसीलिए ये चर्च आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। उनको देखने के लिए आपको बिल्कुल पास जाना पड़ेगा। दूर से तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। पर एक सवाल मन में आता है कि इन चर्चों को ऐसे ज़मीन के अंदर छिपाकर क्यों बनाया गया होगा? शायद किसी से उनको खतरा था। जवाब ढूंढने हमें जाना होगा जेरूसलम। ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए पहले जेरूसलम तीर्थस्थल हुआ करता था। 12वीं सदी में उस पर मुस्लिमों का कब्जा हो गया। मुस्लिमों का कब्जा होने के बाद ईसाई धर्म के लोगों के लिए तीर्थस्थल की कोई जगह नहीं रह गई। ऐसे में राजा लालिबेला ने यहाँ चट्टानों को काटकर इन भूमिगत चर्चों को बनवाया, जो लोगों की आंखों से अपेक्षाकृत छिपा रहता है। शायद यह उनकी रक्षा करने का एकमात्र तरीका था। लेकिन अजीब बात यह है कि उस समय के लोगों के पास कोई उन्नत उपकरण नहीं थे, और आश्चर्यजनक रूप से इस तरह की इमारत को उस समय के सीमित संसाधनों के साथ बनाया गया है। यह इंसानी इंजीनियरिंग का नमूना है, और देखकर समझा जा सकता है कि इनको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। इथियोपिया में चट्टानों को काटकर बनाए गए इस तरह के 11 चर्च है। ये चर्च अपने डिजाइन और सौंदर्य के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कहा जाता है कि राजा लालिबेला की योजना उसे अफ्रीका का जेरूसलम बनाने की थी। तो ये था वो दिखाई ना देने वाले अद्भुत चर्च, पर वो चर्च होते वही है जो तब तक दिखाई नहीं देते जब तक कोई बिल्कुल पास ना आ जाए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल में इस तरह के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जैसे कि अभी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस दिख रहे हैं। कृपया इनको देखें या फिर हमारे चैनल में जाएं, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोडेड है। धन्यवाद।